वेलकम बैक गाइस। आज है भाई 3 नवंबर और आज का ये व्लॉग होने वाला भाई पूरा दीपक ताल बारालाचा सिसु अटल टनल तो कवर करेंगे ही। आज हमारे साथ जो आए भाई, ये भाई आए हैं वेस्ट बंगाल से, जो यूट्यूब से वीडियो देख के आए थे, होटल में रुके साथ और साथ घूमने भी आए। तो आज भाई आए हमारे साथ भाई घूमने के लिए। मैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग राज भाई का ब्लॉग देखिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और उनका साथ आइए, मनाली घूमिए। जबरदस्त बंदा है और उनके साथ मेरा और एक भाई है संजू भाई। एकदम मस्त घुमाता है, दिल इतना बड़ा है। तो आज का व्लॉग आपको पूरा देख लेना इन्फॉर्मेशन के साथ पूरा आ जाएगा। तो भाई ये आज का वेदर है मनाली का, आप लोग देख सकते हैं। मनाली से हम लोग जा रहे हैं सोलांग वैली, लेकिन बीच में एक्टिविटी पॉइंट पड़ता है जब सोलांग वैली जाते हैं मनाली से, ये जिप लाइनिंग का। तो यहाँ पे भाई करे जिप लाइनिंग, आप भी आते हैं तो यहाँ पे जिप लाइनिंग कर सकते हैं, जिसका कि प्राइस 500, 600, 300 ऐसे अलग अलग चार्जेस होते हैं अलग अलग जिप लाइनिंग के। उसके बाद आप जा सकते हैं भाई सोलांग वैली। तो गाइस भाई आए मालदा से, यूट्यूब से वीडियो देख के अपने होटल में रुके हैं देखो, और आज मेरे साथ निकले भाई घूमने के लिए, दोनों को देख सकते हो। तो भाई जा रहे ऊपर हाइट पे पैराग्लाइडिंग करने, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी आज 3 नवंबर यानी कि 3 नवंबर का नजारा आप सोलांग वैली का देख सकते हैं। भाई कैसा रहा होटल का हमारा एक्सपीरियंस? एकदम मस्त मस्त एकदम मस्त। और आज मैं भाई के साथ निकला हूँ, स्पेशल भाई ने बोला कि राज भाई आपको लेके जाएंगे घुमाने के लिए, पूरा गाइड करके घुमा के लाऊंगा। जो प्लान है भाई हमारा जाने का है बारालाचा साइड, अब देखते हैं संजू भाई कहाँ तक लेके जाते हैं। संजू भाई के साथ मैं आज आया हूँ और नंबर दे देता हूँ टैक्सी के, अगर आप लोगों को बुकिंग की जरूरत है तो कर सकते हैं। तो भाई पैराग्लाइडिंग करेंगे, एक होती है यहाँ से शॉर्ट वाली, ये वाली ठीक है। और ये जो भाई पैराग्लाइडिंग करने जा रही है ऊपर हाइट वाली, रोप वे से लेके जाएंगे, ऊपर हाइट से कराएंगे भाई, मतलब लॉन्ग वाली ये पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। ये भाई ऊपर से वीडियो लाना बना के है ना, भाई जा रहे गाइडिंग के साथ में, दोनों चल दिए ऊपर हाई फ्लाई करने के लिए। अगर आप सोलांग वैली में आके भाई एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं जैसे पैराग्लाइडिंग, तो पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, ये जो आप लोग देख रहे हैं आप पढ़ भी सकते हैं पाउच करने के बाद। अब सबसे ज्यादा कमेंट तो ये है कि बाइक से मतलब रोहतांग पास जा सकते हैं या नहीं और स्नोफॉल कब होगी। तो बाइक से नहीं जाने देते रोहतांग पास, रोहतांग पास आप दोनों साइड से जा सकते हैं भाई, अभी जैसे कि कोक्सर से भी जा सकते हैं और मड़ी से भी जा सकते हैं, आपके पास वैलिड परमिट होना चाहिए। जो बंदे स्नोफॉल के लिए कह रहे हैं भाई आप वेदर देख सकते हैं, मैं सोलांग वैली के अंदर हूँ इस टाइम पे गाइस, और यहाँ का वेदर बिल्कुल क्लियर है। और आगे हम जाने की कोशिश करेंगे बारालाचा तक, चलते आज आगे लोकेशन दिखाता हुआ चलूंगा, तो बने रहना आप व्लॉग में ठीक है। तो भाई जो पैराग्लाइडिंग के चार्ज है सोलांग वैली में हाई फ्लाई के 3500 रुपीज़ लिखे हुए हैं काउंटर पे, और 1000 मतलब शॉर्ट वाली के। तो ये 8 मिनट की होती है जो इन्होंने भाई ने की है। तो भाई सोलांग वैली के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अटल टनल, और यहाँ का आप वेदर देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है, स्नोफॉल अभी आप नवंबर एंड या दिसंबर में ही आपको मिल पाएगी, जैसा आगे होगा वो तो अपडेट मिलेगी, सब्सक्राइब कर लेना आप। तो टनल के अंदर एंटर करके हम क्रॉस कर जाते हैं भाई, ये 9 किलोमीटर लंबी टनल है, वीडियो तो मैं कट कट करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। टनल क्रॉस करने के बाद भी वेदर आप लोग देख सकते हैं। तो इधर से हम लोग कट जाते भाई सिसु की तरफ और इधर से ही बारालाचा साइड जाते हैं। तो देखते हैं बारालाचा थोड़ा हाई एल्टीट्यूड वाली जगह है, रोहतांग पास से भी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड वाली जगह है, वहाँ पे कैसा है आज का जाके देखते हैं गाइस। सिसु क्रॉस करने के बाद जब सिसु से 15 किलोमीटर आगे आते हैं ना, तब ये लोकेशन मिलती है, पूरा जो व्यू एकदम ऐसा लद्दाख व्यू पॉइंट कह सकते हैं भाई, ये लद्दाख व्यू पॉइंट है नहीं लेकिन लद्दाख व्यू पॉइंट मैंने इसको बनाया है, क्योंकि ये लोकेशन आप देख सकते हैं कितने प्यारे व्यू आ रहे हैं, बिल्कुल लद्दाख का रास्ता तो एक्चुअली में यही है। और धूप में ना आंखें खुल नहीं रही, आप इधर आए तो सनग्लासेस लेके आ सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। पूरा व्यू देख सकते है भाई आप लोग कितना प्यारा यहाँ का है। भाई मैं निकल चुका हूँ आगे की साइड और नजारे यहीं तक नहीं सीमित रहते, ये अभी आप ये जैसे मैं टर्न लूंगा तो आपको दिखाऊंगा यहाँ के नजारे कितने प्यारे हो जाते हैं। और यहाँ से ना बिल्कुल जिस लोकेशन पे मैं हूँ, इस लोकेशन से थोड़ी दूर जाके अभी आ जाएगा टांडी का ब्रिज, वहां पे भी बहुत ज्यादा प्यारी लोकेशन है। ये व्यू का एंजॉय जरूर करें क्योंकि ये रास्ते स्नोफॉल के टाइम बंद हो जाते हैं, अभी अगर आप लोग आते हैं तो भाई बहुत ज्यादा वाइब आने वाली है, आप लोग देख ही सकते हैं नजारे भाई कितने प्यारे नजारे हैं। हम पहुंच चुके हैं भाई टांडी में, जब आप आएंगे इधर से सिसु से मनाली से ऊपर से पूरा रोड, तो ये रेस्टोरेंट है ऊपर जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को, यहाँ पे आप डिनर या लंच कर सकते हैं। और जो रिवर दिखाई
भाई मैंने आपको वहां जाने के लिए ऐसे उतरना पड़ेगा भाई, और मैं दिखा देता हूँ पूरा। निकलने के बाद यहाँ से इधर से आएंगे आप सिसु मनाली की साइड से, और ये पूरा दीपक ताल बारालाचा लेह वाला हाईवे, और यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ से ये रास्ता आपको जाने के लिए। रिवर साइड यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, बहुत प्यारी ये रिवर है। ये गाइस रिवर एक्चुअली में कौन सी है, जहाँ दो रिवर का संगम होता है, चंद्रा और दूसरी कौन सी है, चंद्रभागा। चंद्रभागा टांडी में 1.5 घंटा आप रुक सकते हैं, जितना आपका मन करे टाइम स्पेंड कर सकते हैं भाई। और आप लोग इजीली यहाँ पहुँच सकते हैं अपनी प्राइवेट कार लेके, या फिर बाइक स्कूटी या टैक्सी बुक करके भी पहुँच सकते हैं। तो पूरा गाइड कर दिया, अच्छे से देख लिया आपने एक एक बिल्कुल कोना कोना। अब चलते हैं फिर सीधा आगे की तरफ हम जल्दी से। ये टांडी का ब्रिज है जो हम क्रॉस कर रहे हैं भाई, और अब सीधा निकल रहे हैं हम केलोंग की साइड। ये रास्ता पूरा केलोंग फिर दीपक ताल बारालाचा। तो आपको मैंने पूरा यहाँ तक पूरा दिखाया, अच्छे से समझाया कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि जब स्नोफॉल होगी गाइस तब आप लोग नहीं आ सकते, ये बंद हो जाएगा। और जब ये बंद हो जाएगा रूट, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जो भाई मेरे से पूछते हैं ना कि भाई हम मंडे का टूर कर सकते हैं क्या मनाली टू बारालाचा, तो इजिली कर सकते हैं भाई, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, आपको मॉर्निंग में 6 बजे या 7 बजे निकलना है, और इजिली घूमते घूमते आप लोग बारालाचा तक पहुंच सकते हैं, और वापस शाम को 6 या 7 बजे तक आप इजिली वापस आ सकते हैं। मैं केलोंग से निकला हूँ, आगे थोड़ा चलने के बाद और जिसपा आ जाएगा गाइस, उसके बाद आएगा दीपक ताल फिर बारालाचा। तो पूरा सारा कुछ दिखाऊंगा, आप लोग बने रहना भाई। रोड कंडीशन की बात करूं तो मनाली से लेके अभी तक कोई रोड कंडीशन खराब नहीं है। जहां बीच में खराब होगा मैं तुरंत आपको वीडियो में दिखा दूंगा जैसे रोड खराब। जैसा मैंने बताया था कि जो थोड़ा बहुत रहेगा मैं दिखाऊंगा। ये बस मान के चलिए 20 से 30 मीटर या 50 मीटर ये थोड़ा ऑफ रोडिंग है बस, बाकी क्लियर है आगे से रास्ता पूरा। और ऐसा ना 20 से 50 मीटर आपको बीच बीच में 1 से 2 जगह मिलता है, मतलब बाकी बिल्कुल क्लियर है, आप लोग देख सकते हैं भाई रोड। आगे जिसपा आने वाला है, तो जिसपा तक हम लोग आ चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं रोड बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक भी। जिसपा में आप कैंपिंग कर सकते हैं या होटल्स वगैरह लेके रुक सकते हैं गाइस। फिलहाल तो मैं सीधा निकलूंगा आगे बारालाचा तक। पहले भी व्लॉग डाले हैं रिवर साइड, मतलब जा सकते हैं यहाँ होम स्टे या फिर होटल्स में रुक सकते हैं। बहुत प्यारी जगह है भाई जिसपा भी रुकने के लिए। रुकने के लिए बंदे यहाँ 3 से 4 दिन के लिए भी आते हैं, लेकिन भाई ज्यादातर बंदे वन डे का स्टे करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वन डे में अपना अच्छे से घूम लेते हैं। एक नाइट स्टे करने के बाद मॉर्निंग विजिट करते हैं बारालाचा, फिर निकल जाते हैं मनाली या जहाँ उनको जाना होता है। तो फाइनली जो मैंने फर्स्ट आपको बताया था, मैं उस लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ, और आप लोग देख सकते हैं भाई जब आप लोग जिसपा क्रॉस करेंगे तो ये आपको लोकेशन मिलेगी। बहुत ही प्यारी गाइस ये लोकेशन है, आप चाहे तो यहाँ पे फोटो वीडियो निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा प्यारे यहाँ पे आएंगे। क्योंकि बर्फ आपको अभी कहीं मिलेगी नहीं गाइस, तो आप अगर आना चाहते हैं अभी तो ऐसा व्यू मिल जाएगा। और भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना मेरे भाई, क्योंकि मैं आपको अपडेट दे दूंगा जब ये रूट बंद हो जाएगा। मनाली इधर है गाइस, तो पहले मनाली से निकलेंगे आप अटल टनल, फिर सिसु, उसके बाद में केलोंग, और केलोंग के बाद जिसपा। जिसपा पीछे ये जस्ट आप आएंगे, इधर जाएंगे बारालाचा दीपक ताल। तो ये वाला जो व्यू आप लोग देख रहे ये बिल्कुल आपको यहाँ पे मिल जाएगा खुद ही जब आप आएंगे। हम नेक्स्ट अपना पहुंच जाते हैं भाई दीपक ताल। तो दीपक ताल में भी आप लोग देख सकते हैं नजारे बिल्कुल क्लियर है वेदर, तो यहाँ पे भी स्नोफॉल के कोई चांसेस नहीं है। अगर अभी आप लोग आते हैं यहाँ तक तो खाली फोटो वीडियो का ही यहाँ पे मजा ले सकते हैं गाइस। आप इजिली यहाँ आप लोग आ सकते हैं भाई स्कूटी रेंट करके या बाइक रेंट करके, क्योंकि यहाँ पे बंदे आए हुए हैं भाई बाइक से भी और स्कूटी से भी। ये है दीपक ताल जो मैंने दिखाई, अब जा रहे हम लोग बारालाचा। यहाँ पे मैं बोलूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, फटाफट निकलते क्योंकि यहाँ पे हवाएं तेज चलती है और मौसम भी ठंडा रहता है। भाई निकल चुके हैं दीपक ताल से बारालाचा के लिए, यहाँ से लग जाते हैं 1 घंटा मान के चलिए, व्यू का एंजॉय करते करते 1 घंटा लग ही जाता है। तो दीपक ताल के बाद कुछ ऐसे व्यू चालू हो जाते हैं जो अब आप लोग वीडियो के अंदर देख रहे हैं भाई, बहुत प्यारी लोकेशन है। गाइस बारालाचा हम लोग पहुंच चुके हैं भाई, लेकिन ऊपर माउंटेन पे ही यहाँ पे स्नो है, आप लोग देख सकते हैं। बंदे देखो स्कूटी से भी बारालाचा जा रहे हैं भाई, ये स्कूटी रेंट करके लाए शायद जिसपा से लेके आ रहे हैं, ये सीधा जा रहे हैं बारालाचा। तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, जाओ ब्रदर ये मिले थे हमें देखो, तो ये जा रहे सीधा बारालाचा। अब देखो यार स्नो ऊपर भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि शाम का टाइम हो रहा है, 4 बज चुके और आप लोगों को अपडेट भी देनी है, और प्लस जो भाई आए ना हमारे साथ जो टूरिस्ट है उनका टिकट भी आज का है, तो हम सोचते कि निकल लेते हैं। बाकी फिर जब बर्फबारी होगी तो मैं कोशिश करूंगा अगर बारालाचा में बर्फ गिरेगी वहां तक जाने की। इंजॉय की बात करूं तो भाई बताएंगे भाई इंजॉय कितना हुआ, फुल चिल। भाई की बस है आज शाम की, और हम भाई को जाना है दिल्ली से जाएंगे अपने घर, तो बस उनका बुकिंग है ना टिकट, तो ऊपर जाएंगे फिर और लेट हो जाएंगे, वैसे ज्यादा नहीं 10 किलोमीटर है इसीलिए हम लोग बस यही बारालाचा है गाइस। आप लोग देख सकते हैं स्नो भी है वहां पे माउंट, ऊपर जितना जाएंगे स्नो ऊपर की साइड मिलेगी।
लेकिन आप सोचे कि स्नो आपको छूने के लिए मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं भाई, आप ऊपर देख सकते स्नो, वैसे नहीं मिलेगी आपको एक्टिविटी करने के लिए स्नो बारालाचा में भी। अभी अगर आप लोग बारालाचा जाते तो ऐसा आपको मिलने वाला है। ज्यादा छोटे बच्चे आपके अगर हैं आपके पास तो आप बारालाचा ना लेके जाना भाई बिल्कुल, क्योंकि देखो थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम है, क्योंकि बारालाचा पास जो है वो एकदम हाई एल्टीट्यूड वाली जगह है और आपके फोन में नेटवर्क भी नहीं आएंगे। अगर आप जाते वनडे का टूर करने के लिए बारालाचा घूमने के लिए तो अपनी फैमिली से बता के जाए कि भाई हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, हमारे नेटवर्क नहीं आएंगे, ताकि वो कॉल करे तो परेशान ना हो। और भाई गाइस जैसा रहेगा आगे वीडियो आती रहेंगी, आप लोग सब्सक्राइब करके रखना। अभी आपको यहाँ पे व्यू मिल सकता है बिल्कुल लद्दाख वाला, क्योंकि ये लद्दाख वाला रास्ता है। तो बस मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हम लोगों को भी पहुँचना है भाई मनाली।